जी गुड मॉर्निंग, की हाल चाल है सारिआं दा। आई होप कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोंगे। तो सच्ची मॉर्निंग ही है इस वेले और टाइम हो चुका है 9:30 बजे का। तो मैं रोटी बना ली है, तो मैं हुण गैस साफ करी सी, गैस क्लीन कर रही हूँ मैं। यह देखो इधर चाह बन रही है, तो इधर मैं पंछियों वास्ते रोटी बनाई है, मिठी जिदा जानवरों वास्ते रोटी बनाई है। मेरी डेली रूटीन होंदी है कि मैं मिठिया रोटियां जड़ियाँ चिड़िया कावं वास्ते परिंदियों वास्ते पंछियों वास्ते बनानिया होंदिया। तो मम्मी अजे सुते पे आ, गैस साफ करके किचन सारी क्लीन करके तो फिर मैं बाहर जावांगी, धुप च बैठांगी। तो मम्मी मैं तो दुखानी सुते पे अजे, मम्मी मेरे सो रहे आ। मम्मी ने कुछ नहीं पता मैं वीडियो बना रही हाँ। तो बाहर धुप भी निकल आई है, तो उधर अपने मैडम जी भी बैठे आ, देखो सामने। अज मैडम जी ने उल्टी कर दी है, एना देखो इधर उल्टी की है। मैं उत्ते मिट्टी पा दी है, हूँ असी वो पाइप लगा के ना बेड़ा सारा धोना पैना, फरनैल वगैरह पा के। धुप निकल आई है बड़ी जबरदस्त जी। तो हूँ मम्मी ने मैं ठा लाँगी, रोटी खावे, तो उस तो बाद फिर दिखानी है की होंगे है जी। लो जी मम्मी उठ चुके, नहा लिया, मम्मी ने इशनान कर लिया, फ्रैश हो चुके, कपड़े चेंज कर ले, तो चाह पी ली मम्मी ने ब्रैड के नाल। मम्मी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग की करते हैं? चाह पी के हटी। टीवी की आवाज़ बंद कर लें दो एक मिनट मैनू। लो जी टीवी की आवाज़ कर दी है मैं बंद, तो हूँ करते हैं मम्मी जी नाल गलबात। हाँ जी मम्मी होर सुनाओ फिर, किदा रही ताड़ी रात? रात तो इदा ही लंघी आ। क्यों? दस दो की हो गया, किदा लंघी ताड़ी रात? हाँ जी मम्मी जी नू लग गया सी लूज मोशन रात दे, ते मम्मी कहते रात मेरी इदा ही लंघी आ। फिर किन्नी बारी जाए तो लूज मोशन नू पंजाबी च की कहोगे? टट्टियां लग गई। टट्टियां मतलब ढिलियां टट्टियां। लूज का मतलब ढिला ही हुंदा है। मम्मी साढ़े रात ढिलियां टट्टियां लग गई जी। लूज मोशन जो पंजाबी जो ट्रांसलेट करो तो यही बनता। होर की खा के हटे हो तुसी? मैं हुण ब्रैड खाधी चार। केड़ी वाली? ब्राउन। आए हाए अंग्रेजी हैं वो भी मेरे नाल। और पूरी कहिंदी के कहना है माता की बोलदी है ने? पूरी कहना है, पूरी ब्रेड, चिट्टी ब्रेड, पूरी ब्रेड। बाहर ही बैठना अच्छा धुप च जाना है, बाहर ही देखनी। की खाना तुसी मैं दसो, तुहानू की बना के? मैं दलिया खाना। कुछ नहीं खाना हूं। क्यों खाने ही बस नहीं? दलिया खाना, खिचड़ी खानी, की खाना? हां दलिया खाना, दलिया ने ढिड च गुड़ गुड़ करदा, ढिड च गुड़ गुड़ करदा। अच्छा खिचड़ी तो बंदा मेरा बुरा हाल है इशारा। चलो फिर बाहर चलिए, मैं बाहर जाके मम्मी जी नू मंजा बिछा दा, मम्मी जी ने बैठना है। तो चलो चलिए बाहर 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 बाहर। बिन्नी जी पे आ, तो मम्मी का मंजा ओ सामने टेढ़ा सी, इस करके खड़ा किया क्योंकि जिहड़ी साडी बिन्नी है ना वह लेट जाती आ के, फिर बिन्नी के बाल चिपक जाते हैं तो कपड़िया लगते हैं, तो फिर तुहानू पता जिहड़े बाल हुंदे आ किसी भी जानवर दे ओ ठीक नहीं साडे शरीर दे अंदर चल जावे। तो बिन्नी इधर लेटी पई है, देखो साडी बिन्नी उठ गई मेरी आवाज़ सुन के। बिन्नी तुसी देख सकते हवा ठंडी ठंडी चल रही है, करी पत्ता। तो हुण मम्मी बाहर आणगे, मैं बुला के लैनी मम्मी नू। मम्मी बाहर आ जाओ, मदर इंडिया। मम्मी कहते कई दिन हो गए सिर बाए नू। आए हाँ हूँ मम्मी अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे। मम्मी साड़ी तो मैं तुम्हें बाल दिखाने बहुत सोहने, लंबे खूबसूरत काले तो घने आडे, इन्ने सोहने सोहने लंबे तो संघने वालों का राज दसो की है की तुम यूज़ करते हैं? मम्मी साड़ी दे बाल बहुत होंदे सी, लेकिन जदों दे मम्मी बीमार होए ना अंदर प्रॉब्लम हुई है मम्मी नूं, उदों दे मम्मी दे बाल सारे ही झड़ गए ने। तो साडे मम्मी जदों ऊठ ते बैठदे हुंदे सी ना सैकल दी चेन च मम्मी दे बाल आ जांदे सी इदां सी। आए गप मार, गप मार लगी है, सप मार लगी है, गप मारी सप मारी। चरिंडा की होंदी वाला भी दसो, हुण मैं मम्मी नूं तेल लिया के देवां।
चरिंदा नहीं मतलब अड़कना नहीं निकलदी मम्मी कहते। इधर सामने मैं आ गई, मैं अपना मूँह नहीं दिखा सकती, इन्नी कि मैं दिखा सकती, ए मेरे हाथ तेल हैगा ते इधर साढ़े मम्मी हूँ तेल लगाएंगे। हेयर एंड क्यूट मेरे खूबसूरत बालों का राज है तेल, हेयर एंड केयर। मैं तो कभी लाया भी कुछ नहीं, मैं लाऊंगी तभी तो तुम्हारे बाल नहीं है सोने। देखो जी स्टाइल दिखाओ, इधर घुमाओ सिर, कुकड़ी की पूछ इन्ना वधिया होंगी है। हाए हाए चलो कोई नहीं, बालों नू की करना ना, बंदे दा दिल वड्डा होना चाहिए, बाल वड्डे करके की करने है ना। नहीं मम्मी बूबा कि बनाया काके छे ने, काके काके दी अखा देखो होए इन खतरनाक। तो हम मम्मी तेल लागे कंघी करे तो मिलने थोड़ी देर बाद। मैं लगी सी जी बहर मेड़ा धोन, तो इन्ने तो मेरा पार्सल आ गया। देखो मैं फ्लिपकार्ट तो मंगवाया सी पर्स, देखो कि सोहना आया। मैनू ना रंग ते प्रिंट बहुत प्यारा लग्या, मैं तुहानू इत्थे रख के दिखानी हाँ। मेरा पर्स स्लिंग बैग कह सकते हैं तुसीं इहनूं, देखो किन्ना सोहना है रंग इहदा, खोल के दिखाना जरा। चो इहदी एक्सट्रा स्ट्रैप हैगा नाल, एक तुसीं मतलब कर सकदे हो उहनूं विच स्पेस। देखो तीन पॉकेट हैगियां, एक वाली है साइड ते, एक है साइड ते, एक सेंटर विच हैगी आ। ते बंद इस तरह हुंदा इह, तुसीं इस तरह भी फड़ सकते हो। तो तुसीं इहनूं जिहड़ी इहदी लौंग वाली बैल्ट है इहनूं भावें ला दो, तो चाहे स्लिंग बैग आ। देखो जी बहुत प्यारा जिहा, कमेंट करके दस्सिओ किहनूं किहनूं पसंद आया। हैगा जी की हैगा एच एम दा। हाँ जी देखो किन्ना नाइस कलर आ, प्रिंट जिहा बहुत प्यारा लग्या सी मैनूं इहदा, इहदे विच काफ़ी कलर आ। 285 दा, यानी 285 रुपए का। हाँ जी ये तीन स्ट्रैप हैगियां, एक ए वाली आ राइट, एक ए वाली आ चेन है, तो एक हैगी है लौंग वाली। देखण नूं भी बहुत लुक वाइज भी बहुत वधिया आ। मैं जदों इहनूं देखिया सी फ्लिपकार्ट ना, तो मैं उदों ही ऑर्डर कर दिता सी। मैं मम्मी कहिंदा तेरी फ्रॉक वर्ग ही आ जिहड़ी मैं हुण पाया होया ना ड्रैस, मैं तुहानूं दिखानी आ उहदे नाल मैच करदा। मैं सामने फ्रंट तो मिरर च दिखानी तुहानूं, आह देख लो मेरे तकरीबन फ्रॉक वर्ग ही है जिहड़ी मैं पाई हुई है। देख लो मम्मी साडे दी पारखी नज़र बड़ी आ। सॉरी जी पर्स हैगा आ जिमी चू दा, ठीक है जी। हुण असीं बेड़ा धोवांगे तो देखो साडी बिन्नी ने किन्ना सानूं परेशान करना। हुण मेरे मम्मी पर्स दा मुआयना कर रहे, मम्मी दिखायो जरा दी दोनों बैल्टां, दिखायो जरा एक वो चेन भी दिखा दो। चेन बड़ी प्यारी लगी मैनूं इहदी, देखो आह देखो मम्मी वैसे तुहाडे शाल नाल भी मैच कर गया है। अखा देखो मम्मी देखते इन्ने भयानक तरीके, मम्मी इन्ना आ जिहड़ा प्यार झलकन डिया तुहाडियां अखां चों, इहदी वजह की आ दसूंगे जरा। इहदी वजह इह आ कि रोज पास रोज कांटे रोज हार रोज तेरा इह पार्सल, तीन तीन चार चार तेरे पार्सल आउंदे इदां ही आ। वड्डे लोग वड्डियां गल्लां, तुहानूं कदी जैलसी हुंदी है, तुसीं अपने जवाने टाइम घट करदे हैं है। मेरे को स्लिंग बैग किन्ने हैंड बैग पर्स है, बड़ी कलैक्शन की। पहला मैं मतलब 8 to 10 बैग दिते से काम वाली, तो हूँ भी मेरे को काफ़ी इन्ने का तो फिर हो गया हूँ मेरे तो दोबारा है ना मम्मी। हूँ मैं अपनी मम्मी दे देने, मम्मी को भी है, मम्मी अपने तो खाते नहीं, मम्मी को भी इंपोर्टेंट है रखे हुए अलमारी टंग टंग के, पर देंदे नहीं किसी ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਦਰ ਲਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸ਼ਰਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀਏ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਸਟਰਡ ਕਲਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਲਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਓ ਮੰਮੀ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੂਟ। ਗਰਮ ਸੂਟ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਸੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਗਰਮ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਟ ਦਾ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਮੰਮੀ ਸਟਾਲ ਆ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀ ਆ ਆ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਆਹ ਇਹਨੇ ਪਾ ਰੋਕਣਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸੂਟ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਪਰਪਲ ਸਟਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜੈਂਟਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਲੈ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸੂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣਾ ठंडी रखा करो सूट भी खोल के दिखाओ गुस्सा तुहानू ना मतलब तुहाडे ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧੋਤੀ ਸਲਵਾਰ ਧੋਤੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਠੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ फ्रॉक ते पजामिया चूड़ीदार पांदे सी ऐ हैगा सलवार दा कपड़ा इस तरह सेल्फ प्रिंट जिहा पहला मस्टर्ड कलर लिया लेकिन शॉल सूट सी मम्मी नूं ओह कलर नहीं पसंद आया सी लेकिन हुण आह कलर पसंद आया ते मम्मी नूं स्टॉल नहीं पसंद आया की करिए यार इदां दीआं मामां तां हुण गालां कढ़दे आ कैमरे दे सामणे नहीं वैसे कढ़ियां पहलां वो कढ़ियां अपनी वारी तुहानूं बड़े वधिया लभ पैंदे आ मेरी वारी तुहानूं अग लग जांदी आ रहिण दो मैनूं चाहीदा मेरे कोल बथेरे आ मैं आपे जाके लै आउणा मैं फिर गया मैं कहा चलो बाहर कोई रिक्शा रुक्शा हैगा तां रोको ते मम्मी नूं चढ़ाओ रिक्शे ते मम्मी सूट लै के आणगे ना मम्मी तों रिक्शे ते चढ़ होवे तां ना मम्मी तों रिक्शे ते उतर होवे इदां ही आ ना नखरा देखो नख 365 चलित्तर नार दे हैं भाई नहीं चढ़ा लाया तीन पैसे लेने हैं आओ भाई आप भावे उत्ते चढ़ जावे रब कोल तुहानू रिक्शे चढ़ाउण लगा हैं चलो आ जाओ फिर बाहर बेड़ा बूढ़ा धवाओ साडे नाल तुहाडी बिन्नी ने बाहर उल्टी कीती आ जाओ जाओ बिन्नी नू बन्नो पहले तो फेर करियो चलो ठीक है ओके चलो जी हुण चलदे बाहर धोईए देखो बिन्नी हुण इस वेले हैगी लेटी हुई ठीक है मैं पाइप सामने लगा लिया इन्हें उल्टी की इतने वो पर मिट्टी पाती चक के क्योंकि मक्खियां बह रही सी तो यह हैगा पाइप लग्या तो हूँ जो असी पाइप ना धोना तो साड़ी बिन्नी ने देखो किन्ने तमाशे करने ऐ देखो जी बिन्नी आ गई है तो हूँ पाइप ना देखो ये काम आ देख लो हूँ इन्हें ए भी धार फड़नी आ देखो बड़ा तंग कर दी है सानू हूँ असी सारा इतों वॉश करा पहले टेबल टूबल वॉश कर दी है आ देखो आ गई फिर बिन्नी कमीनी जिंदाबाद बिन्नी कमीनी देखो इन्ने मतलब सानू तकरीबन अद्धा पौना घंटा लग जाना धोन तो क्योंकि बेड़ा बहुत बड़ा सारा अगे पिछे धोना तो है तो इन्हें सानू बड़ा दुखी करना आ लो आ गई फिर जेदे उपर पा दो पानी ना फिर भज जाती है हुण असी बेड़ा धोवे मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद तो लो जी साफ सफाई हो चुकी सारा बेड़ा असी धो दिता देखो इधरों उधरों तो मेरे मम्मी इस वेले बहुत ज़्यादा जरूरी काम कर रहे हैं जिद तो बिना हर एक इंसान की जिंदगी अधूरी है मम्मी पता नहीं मैं की दिखाई जाता मम्मी इधर रखो हूँ मम्मी ने खा पी लिया है तो हूँ करे ऐशा इंजॉय तो इधर आ देखो हूँ ये बारी है नवा की इनू नवा मैं तो देखो मैं तुम दिखाई बाद तो भी अपने घर ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਅਸੀਂ ਧੋ ਲਿਆ ਵਾਈਪਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਧੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਅਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਬੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ ਲੋਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਈ ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੇਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਆਹ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਧੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਡਸਟ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਸਲੀਪਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਲੀਪਰ ਮੇਰੇ ਸਲੀਪਰੀ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਿੰਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਬਿੰਨੀ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੇਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਬਿੰਨੀ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਲਿਆਓ, ਬਿੰਨੀ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਪਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਬਿੰਨੀ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਫੜਾਓ, ਬਿੰਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਬਿੰਨੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿੰਨੀ, ਇਹ ਬੈਠ ਗਈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਿੰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਿੰਨੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਛਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਨਵਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਬਿੰਨੀ ਵੀ ਧਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇੜੀ ਡਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ, ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।